वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और ज़बरदस्त वीडियो है आप सबके लिए। गाइस, विंटर में जिन लोगों के हाथ पांव फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और ड्राई पैचेस बनना शुरू हो जाती हैं, साथ ही साथ लोगों की जो स्किन का कलर है वो डल होना शुरू हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, तो उनके लिए आज बहुत ज़्यादा बेस्ट और जादुई टोटका है आज मेरे पास, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। गाइस, इस टोटके को यूज़ करने से एक दिन के अंदर आपको जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। मैं ख़ुद पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, घर की सिंपल चीज़ों से इसको तैयार करते हैं और आप में से बहुत से लोग इसे पहले से भी यूज़ करते होंगे और आप लोगों को इसके फ़ायदे पता भी होंगे कि ये कितना बेस्ट होता है हमारी स्किन के लिए। इससे आपके हाथ पाँव फेस बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट हो जाएंगे और किस कोई आपको क्रीम या डिफरेंट जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक सिंपल चीज़ को यूज़ करके आप बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग स्किन हासिल कर सकते हैं। सो चलिए, इसको बनाना मैं आप सबको सिखाती हूँ। इसको बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल और होम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक एम्प्टी बॉटल मैंने ले ली। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड कर लिया। रोज़ वाटर मोस्टली हर घर में होता है, अगर नहीं भी होता तो वो मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। उसके साथ मुझे ग्लिसरीन चाहिए। इस बॉटल में जो है वो मैं ग्लिसरीन ऐड कर दूंगी। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर दी। मैंने एम्प्टी बॉटल ले ली, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने रोज़ वाटर डाल लिया। उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो प्योर ग्लिसरीन ऐड कर दूंगी। प्योर ग्लिसरीन ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं बॉटल में मैंने ग्लिसरीन ऐड की, इसे हल्का सा शेक किया। इसके बाद मैं क्या करूंगी कि मेरे पास बेबी ऑयल है। अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेबी ऑयल शामिल कर दें तो आपको बेबी ऑयल के फ़ायदे तो पता है, ये स्किन को कितना स्मूथ बना देता है, बेबीज़ की स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को भी बिल्कुल सॉफ्ट और बेबी स्किन बना देगा। तो मैंने इसके अंदर जो है वो बेबी ऑयल ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून बेबी ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया। बेबी ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड कर चुकी हूँ 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने क्या करना है कि बॉटल को अच्छे तरीके से मैंने शेक कर लेना है, इसको मिक्स करके अपने हैंड्स पे लगाना है और बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग हैंड्स आपको मिलेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब